पेट्रोल पंप में बोतल में तेल देना बना कर दिया। ये वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो माइलेज टेस्ट है यूट्यूब में भाई, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट डाला है भाई। मैं खुद शौक हूँ कि ये गाड़ी इतना एवरेज निकाल के दे रही है विद पिलियन। तेल में पेट्रोल मिलते हैं नहीं, वजह क्या है इसलिए पूरा फुल कर रहे हैं गाइस, बोतल में तेल नहीं मिल रहा है, बोतल में कहीं भी नहीं मिलता। रीजन क्या है? सरकार ने बोला करा थोड़ा जाली तक कर दो आप। अभी हमारी गाड़ी आप देख ही रहे हो कितनी चली है, 3104 किलोमीटर चल रही है। टंकी फुल करा दी है, पेट्रोल पंप में बोतल में तेल देना बना कर दिया है। ये यहाँ उत्तराखंड में कहीं भी नहीं मिलता है। यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। विकास भाई आ जाओ बैठ जाओ। विकास भाई हमारे साथ जा रहे हैं। जो हम ये माइलेज टेस्ट करने वाले हैं ना, ये कर रहे हैं हम विद पिलियन विकास भाई के साथ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ताकि हम इसका पता चला है कि भाई अगर हम इस गाड़ी में स्ट्रेस डालते हैं डे टू डे लाइफ में ये किस हिसाब से एवरेज निकाल के देती है। देखो आपने जैसे कि देख ही लिया होगा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल बोतल में नहीं मिल रहा है, और बोतल में हम अब इसका टेस्ट भी नहीं कर सकते। उसके दो तीन रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला रीज़न तो ये आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे कि आपको बताया कि आजकल जो न्यू गाड़ी आ रही है BS6 वो सारी की सारी FI सिस्टम में आ रही है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, ठीक है। तो अगर आप इसमें तेल कम रखते हो, 2-3 लीटर से तेल अगर कम रखोगे ना, तो आपको जो फ्यूल पंप है उसको ख़राब होने के चांसेस है। और अगर वो फ्यूल पंप ख़राब हो गया तो आपको कम से कम 5K to 8K का अराउंड का पड़ता है, मतलब 5,000 से 8,000 के बीच में पड़ता है अगर आप न्यू फ्यूल पंप डलाओ कंपनी की तरफ से। और बाहर से डलाओगे तो बाहर तो लोकल ही मिलता है, बट इसमें आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी गाड़ी को आप जैसे आपको लगता है एक डंडी हो चुकी है तो तेल भरवा दिया करो अगर आपकी BS6 गाड़ी FI सिस्टम है उसके अंदर, वरना आपका फ्यूल पंप ख़राब। सो गाइस जो हम ये माइलेज टेस्ट कर रहे हैं वो विद पिलियन यानी कि विकास भाई के साथ कर रहे हैं। उसके दो तीन रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो आप में से मेरे बहुत से भाई हैं जिनके पास MT15 है, और जिसके पास नहीं है, मतलब मैं ये माइलेज टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि भाई ये किस हिसाब से माइलेज देती है, तो आपकी जो पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है या नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप ऑफिस जाते हो तो आपके साथ आपका एक बड़ी भी होगा, तो बड़ी होगा तो उसमें पता चलेगा कि भाई किस हिसाब से गाड़ी लोड ले रही है। क्योंकि मुझे बहुत बंदों ने ऐसा बोला था, कमेंट भी करा था, और किसी ने बोला भी था कि भाई MT15 ना थोड़ा अंडर पावर फील करवाती है अगर आप डबल मतलब पिलियन बिठाते हो। तो वो भी मुझे चेक करना था, इसलिए मैं गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। फुल इसका माइलेज टेस्ट होगा, मतलब फुल थ्रॉटल में भी चलाऊंगा, जैसे भी मैं नॉर्मल चला रहा हूँ नॉर्मल भी चलाऊंगा, मतलब 50-50 का रेशियो रहेगा कि 50 मैं थोड़ा तेज चलाऊंगा फुल थ्रॉटल के साथ VV एक्टिवेट करके थोड़ा बहुत माइलेज ड्रॉप होता है, लेकिन VV एक्टिवेट करके भी चलाऊंगा और नॉर्मली चलाऊंगा ताकि पता चल पाए कि भाई ये किस हिसाब से माइलेज दे रही है। और माइलेज आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ गाइस कि ना मैंने बहुत सारे पेट्रोल पंप में पूछा था भाई जब मैं माइलेज टेस्ट कर रहा था इसका कि भाई बोतल में तेल मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा शुरू में मेरी गाड़ी में सिर्फ 2 ही डंडी थी, तो मैंने बहुत सारे वालों में गया था मैं कि भाई बोतल में तेल मिल जाएगा, उस टाइम मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। उन्होंने बोला नहीं भाई बोतल में तेल मिलना बंद हो चुका है। तो पेट्रोल पंप में भाई बोतल में तेल बहुत कम मिलता है उत्तराखंड में, मुझे तो मिला नहीं भाई। मैं तो 2-3 जगह मैंने ट्राई कर लिया था, तो फिर मैं थक हार के मैंने बोला इसका फ्यूल टैंक हमें सॉरी माइलेज टेस्ट तो करना ही है। तो माइलेज टेस्ट करने के लिए फिर मेरे पे एक ही ऑप्शन बचा था कि इसको पूरा फुल टंकी को फुल करवाओ, उसके बाद इसे 50-60 किलोमीटर चलाओ और दोबारा से फ्यूलिंग कराओ, फिर हम कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसका किस हिसाब से माइलेज निकल रहा है। हमने जो आपने देखा होगा इसकी छन्नी थी, वहीं तक तेल भरा के चेकआउट करेंगे कि भाई किस हिसाब से माइलेज गाड़ी का दे रही है। और हम विद पिलियन है और इसका फिर थ्रॉटल के साथ भी देखेंगे। और गाइस माइलेज ना 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके चलाने के तरीके में भी कि आप किस हिसाब से गाड़ी को रन करते हो। जैसे बहुत बंदे हैं वो फुल्ली थ्रॉटल दे के चलाते हैं, वो कोई बंदे हैं कि जो नॉर्मल चलाते हैं, तो चलाने में के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आप थोड़ा थ्रॉटल देकर चलाओगे तो आपको 2-3-4-5 का एवरेज कम मिलेगा, थोड़ा आप नॉर्मल चलाते हो तो आपको क्या पता थोड़ा 5-6 का एवरेज एक्स्ट्रा दे सकती है गाड़ी। ये गाड़ी का मतलब एक आप बोल सकते हो नेचर होता है भाई। थ्रॉटल दोगे तो जल्दी जल्दी फ्यूल फूकेगा, फ्यूल बर्न आउट होगा, एंड आपकी गाड़ी तेज तो भागेगी लेकिन फ्यूल जल्दी जल्दी बर्न होगा, तो एवरेज तो भाई कम दिखेगा आपको, जल्दी बर्न होगा। नॉर्मल चलाओगे फ्यूल आराम से बर्न होगा, बस फिर आपको माइलेज अच्छा निकाल के देगी गाड़ी। तो ये चीज़ों का फैक्टर होता है। और एक चीज़ और कि जैसे हम आपको पता है जैसे हम उत्तराखंड है ना, यहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी जैसे हम पहाड़ों में चढ़ा रहे हैं ऊंचाई में ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है गाड़ी थोड़ा लोड ज़्यादा लेती है तो थोड़ा फ्यूल में ड्रॉप आ सकता है, ठीक है, ड्रॉप आ जाता है। मतलब अगर पहाड़ों में चढ़ा रहे हो तो थोड़ा आपको माइलेज में 4-5 का फ़र्क दिख सकता है, 4-5 किलोमीटर्स का, ठीक है। और गाड़ी वैसे यामा की गाड़ी है या MT, इसमें एवरेज इसका काफ़ी अच्छा निकलता है,
मुझे तो ठीक दे रही थी एवरेज, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, आप लोगों को बताना था कि भाई ये गाड़ी कितने के एवरेज दे रही है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि भाई एमटी अगर हम ले रहे हैं तो माइलेज किस हिसाब से दे रही है। मेरी वर्जन 2 है तो इसका माइलेज आपको पता ही चल जाएगा। व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पे, ये सोहड़ा का पुल है। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख रहे हो, अभी हम जा रहे हैं पहाड़ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब हमें कम गियर में गाड़ी को चलाना पड़ेगा तो गाड़ी ज़्यादा लोड लेगी। मैं भले ही विद पिलियन हूँ, इसका रीज़न ये भी है कि भाई मैं देखना चाहता था, बहुत बंदे बोलते थे ना कि भाई पिलियन में अंडर पावर फील कराती है एमटी, तो मैं भी चेक करना चाहता था भाई, मेरे पास भी एमटी है तो मुझे भी चेक करना था प्रॉपर, और आप लोगों के साथ शेयर करना था। मेन मेरा पर्सपेक्टिव था कि आप लोगों के साथ शेयर करना है कि सही में क्या बोलते हैं पिलियन के साथ ये अंडर पावर फील कराती कि नहीं करवाती है। जैसे भी देख रहे हो पहाड़ की साइड जा रहे हैं, ऊंचाई में जा रहे हैं, ठीक है। तो माइलेज कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकता, कभी अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आपको नॉर्मल देगी गाड़ी, जैसे सिटी में हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। हाईवे में चलाओगे ज़्यादा मिलेगा, पहाड़ में चलाओगे कम मिलेगा, तो माइलेज वेरी करता रहता है भाई। मैं तो पहाड़ में तीसरे से ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, या तो मैं दूसरे में जाऊँगा ये सीन जाएगा। देखो अब यहाँ पे आ गया ना खतरनाक मोड़, लोड लेती है गाड़ी। तो गाइज माइलेज टेस्ट करते करते देखो कहाँ आ गया, तो रास्ता भी नहीं है आप लोग को दिखाने के लिए कि पहाड़ में भी, देखो पहाड़ में आ रहे क्या हम, वो देखो सिटी कितनी दूर दिख रही है, देखो कितने ऊपर आ रहे क्या हम, सिटी दिख पा रही होगी आपको ये देखो। तो आप लोगों के लिए आ रखा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल पाए। विकास भाई भी थक गए, विकास भाई कैसा लग रहा है? तो गाड़ी अभी तक तो भाई बस ये है कि देखो गाइस गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है, ये बात मैंने नोटिस करी। रेडिएटर फैन ऑन हो चुका है बाइक का, ये काफ़ी जल्दी हो जाता है और अच्छा भी, इंजन ठंडा हो जाएगा। हाँ बैठ भाई, चलते हैं। चलो भाई चलते हैं नीचे की साइड, मिलते हैं आपको नीचे। सो गाइस अभी तो हम चल रहे हैं तब से पहाड़ से होके आगे नॉर्मली चल रहे थे। तो गाइस जो मैं भगा रहा हूँ उसका मेन रीज़न ये है कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल राइड भी कर रहा हूँ, थ्रॉटल वाली भी कर रहा हूँ, पहाड़ में भी चला रहा हूँ, मतलब प्रॉपर माइलेज एक, मतलब एक बोल सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ राइडिंग, कि जैसे हम नॉर्मल चलाते हैं कभी हम हाईवे में चलाना पड़ता है, कई बार हमें सिटी में चलाना पड़ता है, एंड हमें कई बार पहाड़ों में चलाना पड़ता है, तो उस हिसाब से पूरा प्रॉपर एवरेज निकल गया है गाड़ी का क्या माइलेज दे रही है। तो प्रॉपर एक बोल सकते हो फुल माइलेज टेस्ट, एक मतलब हार्डकोर सिचुएशन, जो सिचुएशन हमें डे टू डे लाइफ में पड़ती है, कभी हमें हाईवे जाना पड़ता है कभी कहीं कभी कहीं, तो उस हिसाब से है। और विद पिलियन हूँ तो पता चलेगा कि भाई किस हिसाब से माइलेज दे रही है हमारी गाड़ी। अभी तो हमने ज़्यादा चलाई नहीं है, अभी तो हमने अराउंड मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर से चलाई है, 20 किलोमीटर और है, और बहुत हालत खस्ता हो रही है भाई इतना गाड़ी चलाते चलाते, और दिन के 2 बज चुके हैं यार, और काफ़ी टाइम भी बीत चुका है। यहाँ पे कपल्स लोग हैं, चलो इनको देख के भी अच्छा लग रहा है, ऐसे ही कर रहे हैं ये लोग, गुड। और हमने पूरा प्रॉपर एक माइलेज टेस्ट जिसको बोलते हैं वो ले रखा है, पूरा प्रॉपर माइलेज टेस्ट, इन द सेंस कि हमने पहाड़ में भी चला ली, रोड में भी चला ली, हाईवे टाइप में भी चला ली, मतलब सिटी में भी चला ली है, पहाड़ में भी चला ली है, एंड ये सिटी में भी चला ही रहे हैं, तो प्रॉपर एक माइलेज टेस्ट निकल के आ जाएगा इसका ना, कि किस हिसाब से माइलेज दे रही है हमारी गाड़ी। सीधा पेट्रोल पम्प में चल के देखेंगे कि भाई कितना। तो जैसे आप लोग चलाते हो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं ना, वैसे मैंने डे टू डे लाइफ में यूज़ कराया गाड़ी को, बल्कि मैंने ज़्यादा रफली यूज़ कराया अपनी व्हीकल को, इतनी रफली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, कैजुअली मैं नॉर्मल अपनी गाड़ी को चलाता हूँ प्यार से, और ज़्यादा मैं बहुत ही कम भगाता हूँ। बट आज मैंने थोड़ा हाइपर राइडिंग भी करी है, थोड़ा भगाया भी है गाड़ी को, विद पिलियन भगाया है ताकि गाड़ी में लोड पड़े, मुझे दिखे कि गाड़ी कितना ज़्यादा लोड ले रही है, कितना लोड हैंडल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है। बहुत बंदे बोल रहे थे कि भाई ये पावर ड्रॉप करती है अगर आप इसे पीछे किसी को बिठाते हो, तो वो चीज़ें नापने के लिए मैंने ये चीज़ें करी थी, तो इसलिए यही रीज़न है। तो अब देखते हैं भाई इसका माइलेज टेस्ट कितना आएगा। अभी हमने यहीं से तेल भरवाया था सुबह, भाई शाम हो चुकी है भाई, इतना माइलेज टेस्ट करते करते ना गाइस पता भी नहीं चलता इतना। देखो हमारी 3000 कुछ चल चुकी है, टाइम देख लो अब यार, मेहनत कर रहा हूँ ब्रो, देख लो मंडे है आज और माइलेज टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत। विकास तुझे पकड़ा दूँ कैमरा, एक मिनट है भैया, अभी मत डालना। थोड़ा और डाल दो, 90 तक डाल दो, कितने रुपये लीटर है? 90 इतना बहुत है, पूरा ही कर दो, चलो भाई कुछ हो गया, मैंने इतना ही भरवाया था, हमने 100 कर दो।
तो गाइस 100 रुपये का तेल भी गया, 90 रुपीज़ का ही आया तेल, इसमें 1 लीटर ही तेल भरा और गाड़ी ने एवरेज अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 50+ का निकाल के दे दिया। और तो भाई मैं खुद शौक हूँ कि ये गाड़ी इतना एवरेज निकाल के दे रही है विद पिलियन, विद मैंने हाइपर राइडिंग करी है गाइस, पूरा मतलब आप बोल सकते हो पहाड़ में चलाया उत्तराखंड के जो आपने देखा होगा माउंटेंस, पहाड़ी रोड पे चलाया है, सिटी में हाईवे सिटी ड्राइविंग करी है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली, ठीक है हाइपर राइडिंग करी है, हाईवे राइडिंग करी है, तो भाई आप क्या लोगे गाड़ी से यार, इतना पोटेंशियल निकाल रहे हो गाड़ी में, इतना आप लोड डाल रहे हो, ठीक है फुल थ्रॉटल दे रहे हो भाई, और गाड़ी ने काफ़ी हैं गाइज ऐसा ना अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं, ठीक है बहुत ही कम यूट्यूबर होंगे, चाहे चेक कर लेना एमटी के साथ किसी ने भी ऐसा गाइस मतलब बोल सकते हो माइलेज टेस्ट नहीं करा होगा भाई जो मैंने करा है, तुम्हारे मेटा भाई ने करा है, सिटी में राइडिंग कर लिया मैंने, पहाड़ में राइडिंग कर लिया, हाईवे में राइडिंग कर लिया, हाइपर राइडिंग कर लिया है जो मैं बेसिकली करता नहीं हूँ, जैसे हम नॉर्मल राइडिंग करते हो, नॉर्मल में क्या होता है गाइस हम डे टू डे जो लाइफ में राइडिंग करता हूँ ना मैं बहुत सिंपल करता हूँ, मैं सिटी राइडिंग करता हूँ ज़्यादातर और मैं नॉर्मल इतनी स्पीड में चलाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ताकि माइलेज टेस्ट पूरा प्रॉपर मैं अपना 100% दे पाऊँ, पूरा गाड़ी का फुल पोटेंशियल निकाल पाऊँ, इसलिए मैंने विकास भाई को भी बोला मैंने विद पिलियन ये ट्राई करा है ताकि पता चल पाए कि भाई गाड़ी का क्या पोटेंशियल है, गाड़ी किस हिसाब से रिस्पॉन्स करती है, कैसा माइलेज निकाल के देती है कि जब उसमें आप बोल सकते हो स्ट्रेस डालते हो भाई इसके इंजन में, क्योंकि हम वीवी एक्टिवेट करके भी चला रहा था मैं भाई, सारी प्रकार की राइडिंग कर ली यार, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो माइलेज टेस्ट है यूट्यूब में भाई, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट डाला है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को भी एफर्ट डालना है भाई, लाइक कर देना वीडियो को, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, ना करना वो आपके ऊपर है, बट आए तो कर देना भाई क्योंकि मेहनत भी हम कर रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं विकास भाई को ज़रा छोड़ने फाइनली मैंने विकास भाई को तो घर में ड्रॉप कर दिया उनके, और अब मैं आ रहा हूँ घर की साइड, और गाइस बात करते हैं कि भाई कितना माइलेज हमारी बाइक ने दिया है, किस हिसाब से दिया है, तो सभी बताना चाहता हूँ भाई बाइक का माइलेज काफ़ी अच्छा निकल गया है यार, अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 50+ माइलेज निकाल के दिया है गाड़ी ने, तो भाई ये काफ़ी बड़ी बात है यार, क्योंकि यार देखो एक तो आपको ये गाड़ी परफॉर्मेंस भी देती है यार, आपको पता है वीवी एक्टिवेट करके 200cc की गाड़ियों को टक्कर देती है गाड़ी, इनिशियल तो इनिशियल गॉड बोलते हैं मास्टर ऑफ टॉर्क इसका, इसलिए एमटी का मतलब होता है फुल फॉर्म है एमटी की मास्टर ऑफ टॉर्क भाई, तो इसका इनिशियल तो सबसे जी फाड़ होता है, बहुत खतरनाक इनिशियल पावर प्रोवाइड करती है, ब्रूटल पावर देती है यार इनिशियल माइलेज, और पूरा हमने रफली माइलेज टेस्ट करा, ऐसा माइलेज टेस्ट तो भाई पूरे यूट्यूब पे मैं मानता हूँ कि बहुत कम ही बंदों ने करा होगा, तो तुम्हारा भाई उनमें से वन ऑफ अ काइंड है जिन्होंने ऐसा माइलेज टेस्ट करा एमटी के ऊपर घर को गाइस। और इस वीडियो में इतना ही था, बहुत काफ़ी मेहनत करी इस वीडियो में, एफर्ट डाला है भाई, भाई को विकास भाई का भी टाइम लिया है, अपना टाइम भी लिया है ताकि आप लोग को दिखा पाऊँ कि भाई कैसे इसका माइलेज कितना माइलेज देती है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, आप लोगों को पता ही है कि सब्सक्राइब क्यों करना है, पूरी 100% जेन्युइन और रियल बिल्कुल डे टू डे लाइफ से हट के प्रॉपर मतलब पहाड़ों में गाड़ी को चलाया है, हाईवे में चलाया है, फुल थ्रॉटल देके गाड़ी को चलाया है विद वीवी एक्टिवेट करके, सिटी में चलाया है, ताकि आपके लिए एक प्रॉपर मैं रिव्यू लेके आऊँ कि भाई माइलेज टेस्ट किस हिसाब से गाड़ी करती है, तो भाई यही था, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।